जमीन से निकलता है धुआं, क्यों निकलता है और कैसे निकलता है ये मैं बताऊंगी आपको। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ढूंढन। बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो और मैं आपकी होस्ट देविका और आज मैं आई हूँ अनदर मजेदार लोकेशन में क्रेटर्स ऑफ द मून, जहाँ पे हम करने आए हैं ये जियो थर्मल वॉक। ये 45 मिनट्स की वॉक है और एक एडिशनल 20 मिनट्स की और वॉक है जो कि आपको ले जाएगी एक बड़े क्रेटर पे। ये जगह खुली रहती है 364 days। ये वन ऑफ द वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन है, छोटे सा शॉप भी बना के जहाँ पे आपको सारे न्यूजीलैंड के सुविनियर्स भी मिल सकते हैं। जो ट्रैक्स बने हैं वो हर एज ग्रुप के लिए सूटेबल है और बहुत वेल मेंटेन्ड यहाँ पे ट्रैक्स है। चलिए अंदर चलते हैं और अपना टिकट खरीदते हैं, एक्सप्लोर करते हैं न्यूजीलैंड की एक और खूबसूरती और एंजॉय करते हैं क्रेटर्स ऑफ द मून। ये फोटोज हैं 50 साल के डिफरेंस करके 1963 में कैसे लगता था क्रेटर्स और इन 50 सालों में अब क्रेटर कैसा दिखता है। इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया क्रेटर ऑफ द मून जो ये एरिया है यहाँ पे अभी भी एक्टिव है और एक्सपैंड होता जा रहा है। सिर्फ एक वार्निंग आप लोगों के लिए, जब भी आप यहाँ पे आए तो इनको जस्ट स्टिक टू द पाथ, स्टे विद इन द लिमिट्स। थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल, अनस्टेबल और डेंजरस जोन भी कहा गया है, तो टूरिस्ट को रिक्वेस्ट की जाती है कि विद इन द ट्रैक्स रहे और ट्रैक सिर्फ अपने ही रिस्क पे एंटर करें। और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये जो क्रेटर्स फॉर्म होते हैं वो फॉर्म होते हैं रिजल्ट ऑफ हाइड्रोथर्मल इरप्शंस की वजह से। क्रेटर स्लीपी है पर मरे नहीं है, एक्टिव है कॉन्स्टेंटली। सेकंड लुकआउट काफी बड़ा लग रहा है, बहुत अनस्टेबल जियोथर्मल एक्टिविटीज हैं। 2002 में ये एक्टिव हुआ था बहुत बड़ा, जिसमें से बहुत सारे प्यूमिक स्टोन्स और सब निकले थे। जो गर्म पानी है वो अंदर से हीट अप हो रहा है, गुड़गुड़ की भी आवाज हो रही है। मॉस उगती है, ये सिर्फ उन्हीं एरियाज में मिलती है जहाँ पे सॉइल बहुत गर्म हो, न्यूजीलैंड के रीजन जैसे कि टाउपो और रोटोरुआ में ही अवेलेबल होती है। अब देखेंगे यहाँ का मड क्रेटर। और यहाँ पे बोला गया है कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है वो ऐसी स्मेल आती है जैसे कि अंडा सड़ गया हो। और ये जो यहाँ पे पूल है, मड है, जब उसमें से बबल्स और गैस एस्केप होती है तो ऐसा लगता है कि वो कुछ वो ऐसे डकार मार रहे हो। ऐसे तो वॉक बहुत इजी और बहुत अच्छे ट्रैक्स बना रखे हैं बट हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। तो पानी या कोई भी अपनी फेवरेट ड्रिंक लेकर आइए, जैसे मैं लेकर आई हूँ अपना फेवरेट होममेड जूस। अब हम क्लाइम कर रहे हैं, ये बहुत ही स्टीप सा लुकआउट पॉइंट है ये, बट ये देखना तो वर्थ है। अब इतनी दूर आए हैं तो देखेंगे ज़रूर। और ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ का बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन जो कि, और ये बना है 1800 सेंचुरी में। इतना प्रेशर निकल रहा है अर्थ में से, क्या नज़ारा है। हाइड्रेट हो जाती है अपने जूस के साथ। आज मैं खत्म करती हूँ ये क्रेटर्स ऑफ द मून पे अपना ये टूर। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, फीडबैक और कमेंट जरूर देना। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, सी या, बाय बाय।